फ्रेंड्स, दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर मैं खड़ी हूँ एक बहुत ही शांत और खूबसूरत हरी भरी जगह पे। ये जगह है ओखला बर्ड सेंचुरी। आजकल आसपास बर्ड्स देखने को नहीं मिलते, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं बर्ड्स लवर को ये बताने के लिए कि इस सेंचुरी में आकर किन पॉइंट्स पे जाकर आप सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से बर्ड्स देख सकते हैं। तो बने रहिए ऑन द वे के साथ एंड चलते हैं सेंचुरी के अंदर। बर्ड सेंचुरी यानी कि ऐसी जगह जहां पक्षियों को एक प्राकृतिक वातावरण दिया जाता है। 4 वर्ग किलोमीटर में फैला ओखला का ये इलाका पक्षियों के लिए घर जैसा है, इसलिए इसे बर्ड सेंचुरी नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश में जिस बिंदु पर यमुना नदी प्रवेश करती है उस इलाके में बर्ड सेंचुरी को बसाया गया। यमुना नदी के इस किनारे पर नवंबर से लेकर फरवरी तक अलग अलग तरह के पक्षी पानी के बीचों बीच ढेरों देशी और विदेशी पक्षी अपना डेरा डाल लेते हैं। हवा के झोंकों में हिलोरे लेते और उड़ते इन पंछियों का समूह बेहद शानदार लगता है। बर्ड वॉचिंग के लिए आपको घंटों प्रकृति की गोद में बैठकर इंतजार करना पड़ सकता है और काफी तसल्ली भी रखनी पड़ती है। यहाँ आने वाले बर्ड वॉचर्स भी ऐसा ही करते हैं, इसलिए यहाँ कई सारे सिटिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। हरे भरे पेड़ों से घिरी इस जगह को पक्षियों के लिए घर जैसा वातावरण देने की पूरी कोशिश की गई है। लोगों को गाइड करने के लिए बोर्ड लगाए गए हैं, साथ ही 2 वॉच टावर भी बनाए गए हैं। वॉच टावर तक जाने के लिए लकड़ियों से बने एक छोटे से पुल को पार करना होता है। इसी रास्ते में आपको हमिंग बर्ड, गोरैया और अलग अलग तरह की कई पक्षी देखने को मिल जाएंगे। वॉच टावर काफी ऊंचे हैं और इतनी ऊंचाई से बर्ड वॉचिंग का नजारा और भी मजेदार होता है। उगते और डूबते सूरज की लाल किरणें जब पानी पर पड़ती है तो नजारा और भी शानदार दिखाई देता है। यहाँ से देखने पर आपको दूर दूर तक आसमान में और पेड़ों पर पक्षी बैठे हुए दिखाई देते हैं। पहले की तुलना में यहाँ पक्षियों का आना काफी कम हो चुका है। नवंबर से लेकर फरवरी तक का महीना जब विदेशों में सर्दी अपने चरम पर होती है तब पक्षी भारत की ओर आते हैं। इस बर्ड सेंचुरी में भी आप देख सकते हैं, मेरे पीछे लगे बोर्ड से आपको पता चल सकता है कि इस बर्ड सेंचुरी में भी बहुत सारे पक्षी इस वक्त होने चाहिए, लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं तब आपको उतने पक्षी देखने को नहीं मिलते। तो ये बताता है कि ये वाकई निराशाजनक है कि पक्षियों का आना अब पहले की तुलना में काफ़ी कम हो गया है। लेकिन फिर भी अगर आप बर्ड वॉचिंग के शौकीन हैं, तो नवंबर से फरवरी तक के महीने में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक कभी भी यहां आकर बर्ड वॉचिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ओखला बर्ड सेंचुरी का सफर कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लें।